इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी के अंदर हमारे स्कूल किन्नन बन चुकी है जाइंट एविल, और ये केवल रात में अटैक करती है जाइंट एविलन बन के, और धीरे धीरे सिटी के बंदों को गायब करती जा रही है। तो एक स्कूल किन्नन से जाइंट एविलन कैसे बनी और हम इससे कैसे बचाएंगे अपनी सिटी को, जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फिलहाल सुबह हो चुकी है, शायद जब ये फोन कौन लगा रहा है यार भाई, सुबह सुबह नींद खराब कर दी, देखते हैं किस वो गाइस। तो फिलहाल मेरे सीनियर कॉल आया था, उन्होंने बोला गाइस एक नया केस आया है जिसमें गाइस एक नन भाई सुसाइड करने की कोशिश की है, मुझे इसका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। और भाई साहब भाई पुलिस की ड्यूटी में सबसे अजीब होती है यार, कई फोन आता है जाना पड़ता है, तो फटाफट चलते गाइस पास है भाई लोकेशन में उसने भेज दी है, मुझे फटाफट जाना पड़ेगा। पहले से ऑलरेडी भाई पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है वहां पर सब कुछ देखने के लिए, अब मुझे जाना देखना पड़ेगा शायद से मुझे कुछ भाई एविडेंस मिल जाए वहां का। तो चलते फटाफट से भगाते अपनी कार को, ओके पास में दूर नहीं है शायद से यहाँ पर, ओके मुझे सामने कार भी दिख चुकी है, फटाफट चलते हैं यहाँ पर। भाई इतनी सारी कार पहले ही आके खड़ी हो चुकी है, ओके यहाँ पर लगाते हैं कार को, और क्या स्टाइल में पार्क की हम लोगों ने, चलते देखते भाई क्या भाई मसला पूरा। ओके काफी कार खड़ी तो हुई है, चल के देखते हैं भाई शायद से क्या हुआ यहाँ पर मैटर। ओ गाइस देखो मैं अंदर से आ चुका हूँ, अभी अंदर बहुत ज्यादा पुलिस भरी पड़ी हुई है, और नन को गाइस हॉस्पिटल भेज दिया गया क्योंकि उसकी भाई हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब भाई वो बहुत ज्यादा सीरियस थी तो उसको भेज दिया गया है। तो मैं अभी उसका स्टेटमेंट नहीं ले सकता, उसको मुझे बाद में लेना पड़ेगा। बट सबसे अजीब चीज मुझे ये लगी, मतलब अंदर बहुत ज्यादा मतलब काला जादू वगैरह का ऐसा कुछ आइटम रखा हुआ है, मतलब हवारन वगैरह बहुत चीज रखी हुई है, और बहुत सारा ब्लड भी गिरा हुआ था, मतलब नन कुछ ना कुछ गड़बड़ करती थी ने, तब जाके ऐसा कुछ हुआ इसके साथ। तो चलते फटाफट से मुझे सीनियर को बताना पड़ेगा सारा कुछ, तो हम लोग आ चुके हैं, चल के सारा कुछ बताते हैं। ओके तो मैंने फिलहाल बात तो कर लिया, मुझे जो भी एविडेंस मिला था सारा कुछ मैंने दे दिया है, बता भी दिया, सारी फोटो भी दे दी हैं, अब मुझे बस रात का वेट करना, क्योंकि अभी फिलहाल इस हालत में कि मुझे भाई ऊपर स्टेटमेंट दे पाए तो इसको रात में मुझे करना पड़ेगा। तो फटाफट चलते गए, जब वो ठीक होगी तब उसका कॉल आएगा हॉस्पिटल, तब मैं जाऊँगा वहाँ पर। ओके गाइस तो देखो ड्यूटी मेरी खत्म होने ही वाली थी और मैं आया था यहाँ पर हॉस्पिटल में, और देखो अभी भी भाई मतलब वो उस हालत में नहीं बता सके कुछ, मतलब भाई अभी सीरियस है यार, मतलब यहाँ बहुत सारी भाई पुलिस भी ऑलरेडी आ रखी है, सारा कुछ पूछने के लिए पर भाई बता ही नहीं रहे, मतलब भाई बेहोश हो रखी है। तो चलते फटाफट से, कोई फायदा है नहीं मुझे भाई, देखो मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी, चल के सोते भाई, मैं ज्यादा भाई मूड नहीं खराब करना, तो चल के भाई सीधे सोते हैं। ओके तो आ चुके घर में, फटाफट से गेट ऑफ करते भाई, चलते आराम पे सोते हैं। A few moments later. अब एक सेकेंड भाई, इतनी रात हो रखी है, अब कॉल कौन कर रहा है यार मेरे फोन में, हॉस्पिटल से, एक सेकंड हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है भाई, पता नहीं किस लिए, फटाफट से बात करता हूँ इससे। भाई अभी ने देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, मतलब वो जो नन थी वो पागल हो चुकी है और जॉइंट हो चुकी है, मतलब भाई हॉस्पिटल वालों से भी नहीं संभाल पाई, वहाँ से भाई चीज़ें स्टाफ की वहाँ से आ चुकी है, और सिटी में भाई तबाही मचाई जा रही है। और भाई यहाँ पर ये देखो, ये रही भाई वो डेंजरस नन, मतलब अभी तक तो ठीक थी, मतलब भाई बेहोश थी और सीधे जॉइंट हो चुकी है और सिटी में अटैक कर रही है भाई, बहुत लोग इसने हॉस्पिटल में ऑलरेडी मार भी दिया है, तो मुझे फटाफट जाके जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि कोई बाहर ना निकले यार, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट इतना जरूर पता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई क्या बोलूँ मैं, मतलब ये नन भाई पहले भी होश थी और सडनली रात में इसको पता नहीं क्या हुआ है जॉइंट हो गई और कुछ ऐसी हो गई, मुझे फटा जाकर सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ेगा, चलते हैं। वो गैस तक उन्होंने सिटी अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है, और गैस आप देखो साउंड सुनाई दे रहा होगा, अब कोई बाहर नहीं निकलने वाला, और गैस उनके जो फैमिली मेम्बर्स वो भी यहाँ पर बैठे हुए, आपको दिखा देता हूँ कहाँ गए, ये यहाँ पर बैठे हुए, तो वो भी भाई घबराए हुए डरे हुए हैं कि आखिर क्या हुआ भाई नन को, यार उनको भी सही समझ में आ रहा, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, फटाफट चलते गए यहाँ से। और इस नन से भाई मैं देखो ये कहाँ जा रही भाई, अबे भाई सिटी की तरफ जा रही, नहीं भाई मुझे फटाफट जाना पड़ेगा कि कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे, मुझे बचाना पड़ेगा, शायद से इसको मार सकता हूँ क्या, फिर इसको निकाल सकते गन बजा तो सकते हैं, बट मुझे देख क्यों नहीं पा रही, इतनी जॉइंट होने के बाद मुझे देख नहीं पा रही, इसको बजाते यहाँ पर, ये मार तो चुकी है, अबे नहीं भाई इसने क्या किया, जैसे गिरी कुछ ना कुछ भाई भाई कुछ रोशनी आई और मैं सीधे गिर गया, मुझे फिलहाल भागना पड़ेगा, यार नहीं भाई इतना मार सकते भाई मुझे जिंदा भी मार सकती है, मुझे फटाफट से निकालना पड़ेगा, फिलहाल जगह सेफ नहीं है, फटाफट से भाग के चलते हैं यहाँ से। ओके हम लोग आ चुके हैं, मुझे अगर कुछ ना कुछ भाई के बारे में ढूंढना पड़ेगा, फटाफट से कंप्यूटर मुझे देखना पड़ेगा, शायद मैं कुछ पता कर सकूँ, शायद से भाई ये कुछ ना कुछ भाई क्या है यार ये गाइस, जो हम लोगों ने कंप्यूटर में देख लिया है, और मुझे ऐसी चीज़ पता चली, मतलब भाई अलग ही शॉक करने वाली चीज़ है यार, मतलब इन्हें पहले से बीमार होती थी, बट इसके जो पति था वो ठीक कर देता, इसका हस्बैंड जो ठीक कर देता इसको, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है, तो भाई उसने कोई कहीं यहाँ पर इंजेक्शन बना के रखा था, बट गाइस देखो अभी उसका पति नहीं रहा, मतलब वो है बट अभी गाइस जेल में बंद है, जो हमारे सिटी भाई इस पुलिस स्टेशन है, हमारे भाई पुलिस स्टेशन में बंद है, तो भाई मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, और देखो भाई फटाफट से उससे पूछना पड़ेगा आखिर उसको कैसे ठीक कर सकते, देखो वही एक रास्ता है, बट अभी फिर काफी रात हो चुकी, तो मैं सुबह जाकर उससे बात करूंगा, चल के फटाफट सोते हैं।
नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फिलहाल सुबह हो चुकी है, काफी ज्यादा सुबह हो गई यार लगता है। चलते मुझे फटाफट जाना पड़ेगा भाई, देखो हॉस्पिटल में। बट एक सेकेंड, ये न्यूज में क्या दे रहा भाई? अबे भाई, सिटी में इतने सारे लोग गायब हो गए एक ही रात के अंदर, क्योंकि कल रात में। अबे नहीं यार, ये क्या हुआ यार सिटी? मुझे फटाफट जाके देखना पड़ेगा, अपने से बात करनी पड़ेगी भाई। नहीं, पुलिस फोर्स तो भाई देखो छोड़ रखी थी सिटी में, बट ये हुआ कैसे यार? फटाफट चलते हैं। और यहाँ पर देखो भाई, उसका हस्बैंड यहाँ पर बंद है जेल में, और वो देखो सारी चीज़ भाई अंदर बंद रहा, तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। तो पहले फटाफट से भाई, ऐसे नहीं जा सकता मैं शायद से, यही रहा ना भाई, यही तो है शायद से। फटाफट चलते गाइस, अपनी सीए से पूछते हैं कि मैं इससे बात कर सकता हूँ नहीं कर सकता। चलते फटाफट से। ओके, मैंने इसे बात तो कर ली, फिलहाल मेरे सी ने बोले तुम जाके बात कर सकते हो, तो देखो हम लोग अंदर तो आ चुके। फटाफट पूछता हूँ भाई सारा कुछ मैटर क्या है, फिर से आपको बताता हूँ। मैंने इससे बात तो फिलहाल कर लिया गाइस, इसने भाई कुछ अलग ही बताई है। मतलब वो जो काला जादू करती थी, वो लोगों को मार कर ही करती थी, मतलब जितने लोग गायब हुए हैं उन लोगों को मार देती है यार काला जादू करने के लिए। और इसने भाई कुछ फोटो भेजी जहाँ पर किसी ने बहुत बड़ा मतलब इंजेक्शन बना कर रखा, पावरफुल इंजेक्शन। मतलब उसको पता था भाई ऐसी हालत हो सकती है, इसने पहले इंजेक्शन बना उसको छुपा दिया था ताकि किसी गलत हाथ में न लगे। और इसने भाई कुछ ऐसा गलत एक्सपेरिमेंट किया जिस कारण इसको भाई पुलिस वाले ने बंद कर दिया था, और खुद वाइफ ने इसको फंसा के भाई इसमें बंद कर दिया यार। मतलब इसकी वाइफ ने खुद इसको बताया था, नल ने खुद बताया था कि ये भाई कुछ गलत कर रहे हैं, इसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया है। तो मुझे बस रात का वेट करना पड़ेगा, बताता हूँ सारी बात क्या है। गाइस देखो, मैं काम करके तो आ चुका हूँ, फिलहाल हमारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। और भाई जो उस बंदे ने भाई सांजिस ने बोला था मुझे भाई, देखो यहाँ जाना पड़ेगा उन जिस इंजेक्शन को लेने के लिए, फिर उसको शूट करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी जाकर सोते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ भाई बाद में। एक सेकेंड भाई, इतनी रात हो रखी है, फिर से भाई किसी का कॉल आ रहा है, पता नहीं फिर से कॉल कौन कर रहा है। नहीं, ये तो हॉस्पिटल का ही कॉल है यार, फटाफट उठाते हैं बात करते हैं। गाइस देखो, हमने बात तो फिलहाल कर ली है। गाइस देखो, उन्होंने बोला है फिर से गाइस, उन्होंने भाई पागल हो चुकी, जॉइंट हो चुकी है और सिटी की ओर निकल चुकी है। और भाई साहब भीड़ रही वो नन भी, कहाँ जा रही है भाई? देखो मुझे यही मौका, मुझे फटाफट इंजेक्शन लेके आना पड़ेगा, किसी माध्यम बजाना पड़ेगा। तो फटाफट चलते चलते बाइक को लगाते हेलमेट को, और मुझे इस पार्क को पार करके जाना पड़ेगा। इतनी भाई डिफिकल्ट जगह में कौन रखता है यार? मतलब देखो जगह उस साइड से भी है, बस वहाँ पर जगह ब्लॉक कर रखी इन लोगों ने। तो फटाफट चलते हैं, यहाँ से मुझे जाना है। ओके, आराम से, काफ़ी जगह मतलब हार्ड रास्ता है यार यहाँ से, मुझे डिफिकल्ट भी है। नहीं नहीं नहीं, ओके आराम से आराम से आराम से, मुझे एक दो आराम से जाना पड़ेगा। अगर कोई भी गलती की चीज़ें मैं नीचे गिरूँगा, और नीचे गिरा तो मुझे फिर दोबारा आना पड़ेगा, मैं गलती दोबारा नहीं करने वाला। आराम से जाना है यहाँ पर, जंप पे। ओके भाई देखो, थोड़ी गलती बची थी, मुझे यहाँ से आराम बिल्कुल ध्यान लेके जाना पड़ेगा, आराम से आराम से आराम से। ओके 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 ओके, गई गई आराम से, निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए। और ब्रेक ब्रेक, बच गई भाई, जान में जाना जाती है। और अब ये रास्ता तो और डिफिकल्ट है, देखो मुझे टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे निकलना पड़ेगा। तो आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से निकल गए निकल गए निकल गई। ओके यहाँ से और आराम से नहीं, ये जंप करता है, कितना पतला रास्ता है यार यहाँ का। ओके तो मुझे यहाँ से जंप करानी है, और भाई साहब ये अलग ही है, मुझे इसका टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा, देन जाना पड़ेगा। तो फटाफट चलते हैं, मुझे यहाँ से एक हाई जंप तो नहीं लेनी। ओके मुझे यहाँ से जाना था यार, देखो उस साइड जाता मैं पक्का गिर जाता, तो इस साइड चलते हैं। यहाँ से भाई क्या क्या डिफिकल्टी बना के रखी यार इन लोगों ने, हम लोग 50% हमने रास्ता कवर कर लिया है, 50% और बताओ। तो फटाफट से भाई चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं भाई ऑलमोस्ट। ओके तो यहाँ से मुझे साथ से जंप करानी पड़ेगी यार। ओके आराम से, अबे नहीं नहीं नहीं, गिर गया मत। ओके बच गया बच गया। ओके मुझे यहाँ से आराम से, जगह तो है नीचे। ओके मुझे यहाँ से आराम से, कितने भाई जंप है यार यहाँ पर, और अलग अलग भाई यहाँ पर डिफिकल्टी बढ़ा के रखी हुई है। मतलब ऐसी जगह में कौन रखता है यार इंजेक्शन को, उसका रखना भी सही था, किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो प्रॉब्लम आती। ओके तो हम लोग आ चुके इसके अंदर, फर्द लेके आते हैं। ओके देखो हम लोग इंजेक्शन लेके आ चुके, इस बैक एंड इंजेक्शन है, तो मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा, नर को लगाना पड़ेगा। तो फटाफट से अपनी कार पर फोन लगा के बुला लेते हैं कार को, यहाँ पर पास में पुलिस स्टेशन है। तो फटाफट से यहाँ पर भाई, तब तक मैं कार आ रही भाई, नन का लग गया, नहीं नहीं आराम से। अबे ओके इतना तेज गिरा भाई, इतना ब्लड भी आ चुका, बट कार की तरह। ओके ये खड़ी हुई कार, फटाफट चलते गाइस बैठते हैं कार के अंदर और निकलते भाई, मुझे उसके इंजेक्शन टाइट भेजाना पड़ेगा। और अभी ना फिलहाल अभी देखो चुका है, मतलब अलग ही कंस्ट्रक्शन हट गई है। तो यहाँ पर ये रही भाई, मुझे फटो उतरना है। और ये नन किधर जा रही है भाई ये? अबे भाई ये कहाँ जा रही है? मुझे इसको बजाना पड़ेगा, अपनी स्नाइपर निकाल दें जिसने हम लोग लगा लिया है, इसको मुझे बजाना इसके हेड में। अबे ये ले, ओके मार दिया हम लोगों ने, ये गिर चुकी है। और ये अब मुझे फटो जाना पड़ेगा इसके पास, कॉल वाला बुला लेते भाई एम्बुलेंस। बट भाई ये तो गई, अबे भाई ये तो जादू बन गई यार, भाई ये तो अलग ही है यार। मतलब ये नन थी या फिर क्या थी?
भाई देखो नन तो फिलहाल गई ऊपर की साइड, हमारी टीम यहाँ पर आ चुकी थी, मैंने फोन कॉल कर ली थी बट कोई मतलब नहीं निकला यार, मतलब वो नन गई। अभी हो क्या रहा है भाई, सब ऊपर गायब हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। इस टाइम हमारी सिटी में रोज भाई कोई ना कोई अटैक होते जा रहे हैं नए मॉन्स्टर के साथ में, इसलिए मुझे डेली अलर्ट रहना पड़ेगा अब से। नन तो फिलहाल गई, आज की वीडियो मजा आएगा, मजा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आप लोग वंदे मातरम। Just